हेलो मेरे फूडीज, कुकी फाइट विद रानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैगी से चाउमीन कैसे बनाते हैं। मैंने ली है यहाँ पे मैगी जो कि 2 मिनट में बनने वाली है, लेकिन ये मैगी 2 मिनट में नहीं बनने वाली है। गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी और पानी में उबाल आने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब उसके बाद मैगी डालेंगे। तो पानी में उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मैगी। अब इसमें उबाल आने देंगे। मैगी को हमें ज़्यादा ओवर नहीं उबालना है, हमें सिर्फ मैगी को 80% या 90% तक ही उबालना है। मैगी उबल चुकी है, अब इसे छानकर इसे वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख लिया है, अब उसके ऊपर मैं रख दूंगी छन्नी। अगर आपके पास स्टील की छन्नी है तो आप उससे भी छान सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मैगी को। ठंडे पानी से मैगी को धो लेंगे। वो इसलिए धोएंगे जो मैगी को स्टिकी बनाता है और जो आपस में वो चिपक जाती है, वो ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अभी बहुत गर्म है, ठंडा पानी डालने से इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है ना, ये वहीं रुक जाएगा। अगर आप मैगी पर ठंडा पानी नहीं डालोगे तो ये गर्माई से और भी ज़्यादा पक जाएगी और स्टिकी हो जाएगी। अब हम मैगी को छान लेंगे, जैसे हम आटा छानते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ऐसा करने से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो निकल जाएगा। अब लेंगे एक बड़ी सी प्लेट और उसके अंदर मैगी को डाल देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 2 छोटे चम्मच ऑयल, और ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से फैला दूंगी जिससे कि ये चिपकेगी नहीं। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अगर आप चाउमीन को फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब कढ़ाई में मैं डालूंगी ऑयल और चारों तरफ घुमा दूंगी जिससे कि ये पूरी कढ़ाई पर ऑयल लग जाएगा। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को मैंने लंबे टुकड़ों में काटा है। प्याज को ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि इसमें कच्चापन रहे। सभी सब्जियों को अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मैंने सभी सब्जियों को वैसे ही काटा है जैसे बाहर चाउमीन में होती हैं। इसमें हरी मिर्च या लहसुन भी डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 1 से 2 मिनट तक हम सब्जियों को पकाएंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अगर सब्जियों को ज़्यादा हम ओवर कुक कर देंगे तो वो मुरझा सी जाएंगी और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए हमें सब्जियों को थोड़ा खिला हुआ ही रखना है। मुझे जो चाउमीन में सबसे ज़्यादा पसंद है बताऊँ क्या है, वो है पत्ता गोभी। कितना अच्छा लग रहा है ना सब्जियों का कलर। 1 से 2 मिनट हो चुका है और हमने सब्जियों को पका लिया है। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। यहाँ 1/2 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। पैकेट डाल दूंगी मैं इसमें मैगी मसाले का। अगर आपको चाउमीन स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च और डाल सकते हैं। अब डाल दूंगी मैं इसमें सोया सॉस, और सोया सॉस डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और मैगी मसाले में भी। अब हम इसमें डाल देंगे मैगी। मैगी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रही है और इसका एक एक मैगी जो है वो अलग है। ये डालकर अब हम सब्जियों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैगी से चाइनीज चाउमीन बनकर तैयार है। अगर आपका मैगी खाने का मन ना करे तो आप ऐसे चाउमीन भी बना सकते हैं। तो ये ट्राई करना तो बनता है, देर किस बात की है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये चाउमीन कैसी लगी। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करके इंस्टाग्राम पर भी मुझे शेयर कर सकते हैं, कुकी फाइट विद रानी मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मैगी से चाउमीन बनने वाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
अगली रेसिपी मुझे किस पर बनानी चाहिए वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।